हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। टेक स्टडी में आप सबका स्वागत है। मैं आपका सब्जेक्ट टीचर महेश कुमार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2 डाटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किल्स के अंदर पार्ट 6। आज की वीडियो में हम करेंगे सक्सेसफुल कीबोर्डिंग टिप्स यूजिंग टाइपिंग सॉफ्टवेयर, टच टाइपिंग टेक्निक एंड लास्ट में हम करेंगे टच टाइपिंग रूल्स। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से इसे सुनिए, देखिए और समझिए कि आप कैसे अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ा सकते हो और क्या क्या सक्सेसफुल जो टिप्स है जिसे आपको फॉलो करना है ताकि आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं सक्सेसफुल कीबोर्डिंग टिप्स के बारे में कि क्या क्या हमें टिप्स को ध्यान में रखना है ताकि हमारी कीबोर्ड पे टाइपिंग स्पीड बढ़ सके। तो पहला पॉइंट आता है इसमें, प्रेस द कीज विद फेदर टच एंड डू नॉट पुट अनड्यू प्रेशर। हमेशा जब की पर आप अपनी फिंगर को प्रेस करें तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आपको जोर नहीं लगाना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है, प्रेशर नहीं लगाना है। आराम से, मतलब कि हल्के हाथ से आपको टाइप करना है, ईजी वे में टाइप करना है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, स्मूथली टाइप करना है। ओके, किसी भी की को प्रेस करना है, स्मूथली प्रेस करना है। सेकेंड पॉइंट, रेस्ट योर फिंगर्स ऑन होम रोज वाइल टाइपिंग, अलाउ योर फिंगर्स टू फॉल नेचुरली ऑन द कीज सो दैट ईच रेस्ट ऑन टॉप ऑफ द नेक्स्ट की अलोंग द सेम हॉरिजॉन्टल रो। आपको फिंगर को होम रो के ऊपर रखना है, लेकिन दबाना नहीं है किसी भी की को, सिर्फ रेस्ट करके यानी कि रेस्टिंग पोजिशन में रखना है। आराम से ऐसे छूते हुए रखना है और जैसे आप नेक्स्ट की दबाते हो तो आप उस फिंगर का यूज़ करोगे जिसके लिए वो की बनी हुई है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है, अपने बाकी फिंगर्स को हटाना नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं, मुट्ठी को क्लोज कर लेते हैं और एक ही फिंगर से टाइप करते रहे, वो गलती आपको नहीं करनी है। थर्ड पॉइंट आता है इसमें, वाइल टाइपिंग रिलीज द की इमिजिएटली एज सुन एज यू प्रेस इट। हमेशा जब भी आप नेक्स्ट की दबाते हो तो जो पहले वाली की को इमिजिएटली आपको रिलीव कर देना है। ठीक है, छोड़ देना है। होल्डिंग द की फॉर लॉन्ग टाइम विल रिपीटेडली टाइप द सेम करेक्टर। अगर आप एक ही की के ऊपर फिंगर प्रेस करके रखोगे तो क्या होगा, वही की सेम कई बार टाइप होती हुई नजर आएगी। डू नॉट लुक एट द कीबोर्ड वाइल प्रैक्टिसिंग, प्रेस द की विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन रिदम। हमेशा जब भी कीबोर्ड पे आप प्रैक्टिस करते हो किसी चीज़ की तो आपको कीज़ को क्या करना है, हमें इक्वल गैप देना है दो कीज़ के बीच में, हमेशा इक्वल गैप होना चाहिए। ये नहीं कि आप टाइम ज़्यादा लगाओ, जैसे आपने ए टाइप करा और आप एस टाइप करा रहे हो तो आपको सोचना नहीं है, थोड़ा सा गैप लेना और रिदम में टाइप करना है। मतलब थोड़ा सा गैप लेके और आप उसको प्रेस कर देना, ये नहीं कि आप है ना बहुत लॉन्ग टाइम काफ़ी टाइम लगा रहे हो, काफ़ी समय लगा रहे हो उसको प्रेस करने में। ठीक है, ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, प्रेस द कीज ओनली विद द फिंगर एलोटेड फॉर देम। हमेशा वही आप वही की प्रेस करोगे जो उस फिंगर के लिए एलोटेड है। आपको ऐसा नहीं करना है कि है ना, अगर आपके इंडेक्स फिंगर से आपको कहा गया कि ए प्रेस करना है तो आपको उसी से ए ही प्रेस करना है, ये नहीं कि आप जी प्रेस करने लग जाओ या एच प्रेस करने लग जाओ, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। सिक्स पॉइंट, डू नॉट टेक एनी मेंटल स्ट्रेस वाइल टाइपिंग। कभी भी एक मंत्र ध्यान लीजिए, समझ लीजिए कि क्या होता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं, नया काम करते हैं या कुछ भी हम करते हैं या पढ़ते हैं कुछ भी, तो उस समय आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। तो इसी तरह से टाइपिंग में भी क्या होता है कि अगर आप स्ट्रेस लेके टाइप करोगे या आप कुछ किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो आप टाइप नहीं कर पाओगे। ठीक है, सेवन्थ पॉइंट, मेंटेन पेशेंस इफ कमिटेड मिस्टेक एट इनिशियल स्टेज। अगर आप शुरुआती स्टेज में कुछ मिस्टेक करते हो तो आपको पेशेंट रखना है, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी, तो उससे क्या होगा जो आपकी मिस्टेक होगी वो धीरे धीरे करके रिमूव होती जाएगी। मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी, आपको बैलेंस बरकरार रखना है स्पीड ऑन एंड एक्यूरेसी के दरमियान। ये नहीं कि आप अपनी स्पीड बढ़ा रहे हो लेकिन एक्यूरेसी आपकी निल है, तो एक्यूरेसी को भी ध्यान में रखना है। टू गेन मास्टरी ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड, अंडरटेक रिपीटेड प्रैक्टिस ऑफ टाइपराइटिंग वर्ड सेंटेंसेस पैसेजेस
फिगर्स विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड। हमेशा जब भी अगर आपको मास्टर बनना है कीबोर्ड टाइपिंग में, मतलब कंप्यूटर की कीबोर्ड टाइपिंग में आपको मास्टर बनना है, तो आपको डेली रिपीट, मतलब रिपीटेड मोड में प्रैक्टिस करनी होगी। कई वर्ड को आपको बार बार लिखना होगा, सेंटेंसेस को लिखना होगा, पैसेजेस को लिखना होगा, और आपको ये कोशिश करनी है कि आप कीबोर्ड को देखे बिना कीज को प्रेस करें। तो ये तो था हमारा सक्सेसफुल कीबोर्डिंग टिप्स। आगे बढ़ते हम यूजिंग टाइपिंग सॉफ्टवेयर। टाइपिंग सॉफ्टवेयर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? बहुत सारे हमारे पास टाइपिंग सॉफ्टवेयर है। आज के आप इंटरनेट पे अगर सर्च करोगे तो कई सारे आपको फ्री टाइपिंग सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, जैसे कि हमने पार्ट वन में हमने देखा था। आपकी बुक में रैपिड टाइपिंग ट्यूटर के बारे में बताया गया, तो उसका हम इंट्रोडक्शन करेंगे और वो सॉफ्टवेयर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रैपिड टाइपिंग ट्यूटर एक FOSS सॉफ्टवेयर है, यानी कि फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, इसके लिए लाइसेंस की लेने की ज़रूरत नहीं है। रैपिड टाइपिंग ट्यूटर इज़ डिज़ाइन टू टीच। ये सॉफ्टवेयर इसलिए बनाया गया ताकि एडल्ट और किड्स दोनों कंप्यूटर कीबोर्ड को आराम से ईजिली वे में यूज़ कर सके। लर्निंग टू टाइप इज़ फन विद टाइपिंग गेम्स इंक्लूडिंग विद रैपिड टाइपिंग ट्यूटर। रैपिड टाइपिंग ट्यूटर में कई सारी आपको गेम्स मिल जाएगी, फन गेम मिल जाएगी, जिससे आप अपनी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। गेटिंग स्टार्ट विद रैपिड टाइपिंग, इस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, मतलब कि क्या चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, वो चीज़ हम करते हैं। टाइपिंग ट्यूटर इज़ एन ईजी टू यूज़ कीबोर्ड ट्रेनर। जो टाइपिंग ट्यूटर सॉफ्टवेयर होता है वो ट्रेनर के लिए बहुत ही ईजी टू यूज़ माना गया है। सो यू विल हार्डली हैव एनी ट्रबल विद इट्स यूज़ एंड कॉन्फिग्रेशन। तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह के टाइपिंग ट्यूटर सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में। अब कुछ लिंक है जहाँ से आप टाइपिंग ट्यूटर को डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट आपको फैमिलियर होना है कि उसके एक्सपीरियंस के बारे में समझना है कि टाइपिंग ट्यूटर किस तरह का सॉफ्टवेयर है। देन आपको लेसन स्टार्ट करना है, ठीक है, और उसके रिजल्ट को भी देखना है कि आपका रिजल्ट क्या आता है, हाउ टू इंटरप्ट योर रिजल्ट एंड स्टैटिस्टिक्स। अब हम पढ़ते हैं टच टाइपिंग टेक्निक। टच टाइपिंग टेक्निक क्या कहती है? टच टाइपिंग इम्प्रूव्स टाइपिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी। अगर हम टच टाइपिंग टेक्निक को अपनाते हैं तो उससे क्या होगा, हमारी टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन रहती है, कायम रहती है। अ टच टाइपिस्ट नेवर लुक्स एट द कीबोर्ड। जो भी टच टाइपिस्ट होता है, यानी कि टाइपिंग करता, जो भी पर्सन टाइपिंग करेगा वो कभी भी कीबोर्ड की तरफ नहीं देखेगा, ठीक है। द फिंगर्स हिट्स राइट की बाय हैबिट, और उसकी आदत बन गई टाइप करते करते करते, तो उसकी फिंगर ऑटोमेटिकली राइट की पे प्रेस हो जाएगी ऑटोमेटिकली, उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी की को, ठीक है। टच टाइपिंग कैन बी लर्न बाय परफॉर्मिंग स्पेशल एक्सरसाइज। टच टाइपिंग को लर्न करने के लिए हमें स्पेशल एक्सरसाइज को फॉलो करना पड़ता है। इसमें तीन तरह की स्टेज होती है, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री। स्टेज वन क्या होता है, बिगिन होता है इसमें, बिगिन विद लर्निंग द होम रो, हम होम रो पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। द रो बिगिन विद कैप्स लॉक, इसमें कैप्स लॉक से शुरुआत होती है इस रो की। स्टेज टू इन्वॉल्व मेमोराइजिंग कैंडली यूज्ड सिलेबस एंड टाइपिंग वर्ड्स कंटेनिंग दिस सिलेबस। हमेशा हमें क्या करना है, स्टेज टू में जब हमारी स्टेज वन क्लियर हो जाए तो स्टेज टू में आपको फ्रिक्वेंटली उसको प्रैक्टिस करनी हो, और आपको ध्यान में रखना है, मेमोराइज करके रखना है कि कौन सी की को किस फिंगर से प्रेस किया जाता है। स्टेज थ्री इन्वॉल्व टाइपिंग एक्चुअल टेक्स्ट टू परफेक्ट द स्किल एक्वायर्ड। आपको इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल टेक्स्ट को परफेक्टली टाइप करना पड़ेगा ताकि आपकी स्किल इम्प्रूव हो सके। अब ये टच टाइपिंग रूल, ये देखिए इस तरह की इमेज होती है आपकी, कैप्स लॉक से स्टार्ट होती है होम रो, ठीक है, ASDF, फिर ये लेफ्ट हैंड से प्रेस किया जाता है JKL और आपका सेमी कॉलन, ये हमारे राइट हैंड की फिंगर से प्रेस किया जाता है। टच टाइपिंग रूल ये, इसको आपको फिगर को हमेशा ध्यान में रख के प्रैक्टिस करनी है। ASDF ये होम रो पे प्रैक्टिस की जाती है, JKL सेमी कॉलन, ठीक है, ये होम रो की कीज़ है, तो इसी के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है शुरुआत में, इसके आगे आपको बढ़ना नहीं है अभी। अब
अब इसमें एक्सप्लेन कर रखा है टेस्ट टाइपिंग रूल, FTSAJKL कीज़ यानी कि ASDF भी कह सकते हैं इंडेक्स फिंगर से अगर हम स्टार्ट करते हो तो, ठीक है। ये क्वार्टी कीबोर्ड के अकॉर्डिंग बनाया गया, इसको रिप्रेजेंट करता है पोजीशन को। कलर कोडिंग शोज विच फिंगर शुड प्रेस ईच कीज़। जो इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होगा कि आपको कलर के थ्रू आपको समझाएगा कि अगर आपने रॉन्ग दबाया है, रॉन्ग की दबाई है तो वो रेड मार्क में शो करेगा, अगर सही तो ग्रीन, और आपने लेट दबाया है मतलब कि टाइम लगाया तो येल्लो में शो करेगा, ठीक है। द बेस पोजिशन ऑफ द न्यूमेरिक पैड इन द नंबर 5 की फॉर द मिडल फिंगर ऑफ 4। जो न्यूमेरिक की पैड होता है उसकी जो की होती है 5 वो हमेशा मिडल फिंगर से प्रेस की जाती है, और जो 4 इंडेक्स से, और 6 जो फिंगर होती 6 जो की होती है वो रिंग फिंगर से प्रेस की जाती है। यहाँ पे आपके फिंगर के नाम है 1 यानी कि थंब फिंगर, 2 यानी कि इंडेक्स, 3 यानी कि मिडल, 4 यानी कि रिंग, और 5 यानी कि पिंकी फिंगर। इनको नाम को याद में रखना है। फोर्थ पॉइंट, अपर केस लेटर एंड सिंबल अपियरिंग ऑन द कीज इन द नंबर। जो अपर केस लेटर होते हैं और जो सिंबल होते हैं वो नंबर रो में अपियर होते हैं, नंबर रो में दिखाई देंगे नंबर रो के अंदर, जो कि एक हैंड से टाइप किया जाता है विद लिटिल फिंगर, ठीक है। ऑफ द अदर हैंड जो दूसरा हैंड होगा वो होल्ड करके रखेगा शिफ्ट की को, और फिर लिटिल फिंगर से आप प्रेस कर सकते हो जो भी सिंबल्स होंगे उनको, ठीक है। एक हैंड से आपको क्या करना है, शिफ्ट की को प्रेस करना है, और लिटिल फिंगर से आपको यानी कि दूसरे हैंड की लिटिल फिंगर से आपको सिंबल्स को टाइप करना है, तो इससे क्या होगा आपकी प्रैक्टिस बनेगी। फिफ्थ पॉइंट, डू नॉट लुक एट द कीबोर्ड्स, ट्राई टू लोकेट द राइट की विद योर फिंगर। हमेशा कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना और कोशिश करना कि आप राइट की को प्रेस करें फिंगर से। तो स्टूडेंट आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, होपफुली आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम टाइपिंग ट्यूटर इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट होता है, क्वेश्चन होता है तो कमेंट में जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। और बाकी जितनी भी आपके पार्ट है पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, तो वहाँ से आप सारे पार्ट देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।